गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पहली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे हम दांत के प्रकार और दांत की संरचना। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए शैशवावस्था में 5 माह की आयु के बाद दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और 3 वर्ष की अवस्था तक अस्थायी दांत जो होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है वह 3 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं 20 दांत। ठीक है। और 15 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य में 28 दांत निकल आते हैं 15 वर्ष की आयु तक। और जो 4 दांत जो बचते हैं जिन्हें हम अक्कलदार भी बोलते हैं, तो अक्कलदार जो हैं 24 से 25 आयु के बीच में ये अक्कलदार निकलती है। तो अब मैं बताऊंगी तुम्हें दांत के प्रकार। तो फर्स्ट है हमारा गर्त दंती या थीकोडोंट। तो गर्त दंती जो है मनुष्य की गर्त में ये दांत मैक्सिला तथा डेंट्री अस्थि पर स्थित होते हैं गर्त दंती। अब है हमारा सेकंड द्विवार दंती या डायोफायोडोंट। तो द्विवार दंती जो है ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। अब इसलिए इन्हें द्विवार दंती बोलते हैं। इनकी संख्या जो द्विवार निकलते हैं उनकी संख्या होती है 20 जो अस्थायी होते हैं उनके गिरने के बाद द्विवार दंती जो दोबारा निकलते हैं, और जो एक बार दंती होते हैं उनकी संख्या होती है 12। अब है हमारा नेक्स्ट, इन्हें द्विवार दंती को हम दूध के दांत या शीर दंती भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा विषम दंती या हेट्रोडोंट। तो विषम दंती को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो अब विषम दंती के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। फर्स्ट है हमारा विषम दंती का जो पार्ट है कृंतक या इंसाइजर। तो कृंतक जो है ये हमारे कैसे दांत हैं, स्थायी दांत हैं सभी, जिन्हें हम परमानेंट भी बोलते हैं। तो कृंतक की जो संख्या है ये संख्या में 4 होते हैं। ये जो है गर्ल्स, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये एक जबड़े का बना हुआ है, सेम ऐसा ही हमारा दूसरा जबड़ा होता है। तो कृंतक की संख्या होती है 4। जो फर्स्ट जबड़ा है इसके भी हम 2 पार्ट कर लेंगे, एक पार्ट इधर से एक इधर से। तो जो पहला पार्ट जो दिखाई दे रहा है तुम्हें कृंतक जिसे हम बोलते हैं इंसाइजर, इंसाइजर 2 इधर दिखाई दे रहे हैं, 2 इधर, 2+2 इनकी संख्या हो गई 4। तो कृंतक जो है इनका कार्य क्या है, तो कृंतक दांत कैसे कृंतक और इनका कार्य भी क्या है, कुतरना या काटना। संख्या होती है इनकी 4 संख्या होती है एक जबड़े में, और दूसरे जबड़े में कितनी संख्या होगी इनकी 4, 4+4 हो गई संख्या इनकी 8। अब है हमारा सेकंड रदनक या कहेंगे हम कैनाइन, रदनक या कैनाइन, इनकी संख्या कितनी होती है 1 दिखाई दे रही है इधर से 1 और इधर से 1। ये कुछ इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ नुकीला होता है। संख्या 2, एक जबड़े में 2 दूसरे जबड़े में 2 कितनी हो गई 4 संख्या। अब इनका क्या कार्य है, रदनक दांत का जो कार्य है भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य है रदनक दांत का। ठीक है। अब हमारा है थर्ड अग्रचवर्णक या प्रीमोलर्स। तो अग्रचवर्णक जो है ये संख्या में होते हैं 4 होते हैं, 2 इधर 2 दूसरी साइड, कितने हो गए 4। ऐसे ही दूसरे जबड़े में 2 एक साइड होंगे 2 दूसरी साइड, तो कितनी संख्या होगी 4+4 8। तो अग्रचवर्णक क्या कार्य है इनका, भोजन को चबाने का कार्य किसका है, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। अब हमारा नेक्स्ट चवर्णक। तो चवर्णक जो है ये संख्या में 6 होते हैं, एक जबड़े में 6 दूसरे जबड़े में 6, 6+6 12 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 तीन इधर 3 इधर कितने हो गए 6। सेम ऐसा ही दूसरा जबड़ा जो होगा 3 इधर साइड होंगे 3 दूसरी साइड, 6+6 12। अब इनका क्या कार्य है, मोलर्स जो दांत होते हैं इनका कार्य है भोजन को पीसने का जो कार्य करते हैं वो मोलर्स दांत करते हैं। 4 प्रकार हैं इनके विषम दंती जो हैं। फर्स्ट है हमारा कृंतक, आ गया होगा समझ में। इंसाइजर क्या कार्य है, इंसाइजर का कुतरना, संख्या में कितने होते हैं 4। रदनक, रदनक का कार्य है या कैनाइन, चीरने फाड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य किसका है कैनाइन दांत का, संख्या में कितने होते हैं एक जबड़े में 2 होते हैं, एक इधर एक इधर। अब हमारा थर्ड अग्रचवर्णक या प्रीमोलर्स, ये संख्या में 4 होते हैं, 2 इधर 2 दूसरी साइड, इनका कार्य है भोजन को चबाना। अब हमारा नेक्स्ट चवर्णक या मोलर्स, मोलर्स का कार्य है भोजन को पीसना, संख्या में कितने होते हैं 6, 3 इधर 3 इधर। तो ये जो डायग्राम है इसे हम करेंगे, 8 दांत हमारे इधर दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7
8, 8 ही दूसरी साइड है, कितने हो गए 8 + 8 = 16। ऐसे ही हमारा दूसरा जबड़ा होगा, उसे हम डिवाइड करेंगे 8 इधर 8 इधर, कितने हो गए + 16 + 16 = 32। तो कितने दांत होते हैं मनुष्य में? 32 दांत होते हैं। समझ में आ गए होंगे? इस वजह से मैंने डायग्राम के माध्यम से चार्ट के द्वारा तुम्हें समझा रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो मनुष्य के दांत को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा शिखर, या कहेंगे हम इसे क्राउन। तो शिखर जो मनुष्य का दांत है, मसूड़े के बाहर जो दिखाई देता है पार्ट, उसे हम कहते हैं शिखर या क्राउन। अब हमारा नेक्स्ट ग्रीवा या नेक। तो दांत का मध्य भाग जो होता है उसे हम कहेंगे ग्रीवा या नेक। थर्ड है हमारा जड़ या रूट। तो जबड़े के अंदर जो गट में स्थित जो भाग होता है वह कहलाता है जड़, या जिसे हम कहेंगे रूट। तो 3 पार्ट होते हैं, शिखर, ग्रीवा और जड़। एक क्वेश्चन, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सबको ही पता होगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, स्कर्वी रोग जो है मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत, दांत का चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा? दांत है। तो जो मनुष्य के दांत हैं, एक परत पाई जाती है मनुष्य के दांतों पर, जिसे हम बोलते हैं इनेमल की परत। ये कैसी होती है? बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो दांतों को मजबूती प्रदान करती है। इनेमल की परत को इफेक्टेड कौन सा रोग करता है? जो स्कर्वी रोग जो होता है वो किसे प्रभावित करता है? इनेमल की परत। तो इनेमल की परत कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के जो जबड़े होते हैं, जहाँ पर गर्द में मनुष्य के